नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 अप्रैल को पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को कांग्रेस की भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित होगा, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी और इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगी। आपको बताते चलें, इसके साथ ही प्रियंका का महिलाओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। बिहार बंगाल के बाद अब सीमावर्ती झारखंड में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। रामनवमी के मौके पर पूर्वी सिंहभूम में दो जगहों पर पथराव की घटना के बाद सड़क पर बीते शनिवार को खूब हंगामा हुआ। फिर बीते रविवार को भी जमशेदपुर के शास्त्री नगर में दो समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों तरफ से जमकर हुए पथराव की चपेट में पुलिस भी आ गई। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन हर संभव स्थिति पर नियंत्रण पाने में जुटा हुआ है। बस हम लोग यहाँ पर विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च कर रही हूँ, ताकि दो संप्रदायों के बीच कोई दिक्कत ना हो। और क्या स्थिति है मैडम अभी? अभी स्थिति सामान्य है, कल रात से ही स्थिति सामान्य है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोंडा जिले में निर्वाचन संबंधी समय सारणी डीएम ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के बाद गोंडा में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने नगर पालिका परिषद गोंडा, नवाबगंज, कर्नलगंज और नगर पंचायत खरगुपुर, धानेपुर, कटरा, परसरपुर और मनकापुर, तरबगंज और बेलसर के अध्यक्ष और उनके सदस्य के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उधर यूपी के शाहजहांपुर थाना चौक कोतवाली के नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसे में पिता समेत दो बेटों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तीनों लोग शहर के मेहमान शाह मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। काम पर से आ रहे थे, उधर से छुट्टी करके, ये ट्रक बाड़ी का काम करते हैं, ये मिश्री ढाबे के पास। अच्छा, मिश्रीपुर के पास। अच्छा, फिर वहाँ से वापसी घर के लिए जा रहे थे। उधर बिहार के कटिहार जिले के अहमदाबाद नगर पंचायत में बीते सोमवार को खाना बनाने के दौरान एक घर से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इस चिंगारी ने कुल 38 परिवारों के 65 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग को फैसला देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस भीषण अग्निकांड में एक दर्जन मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ मवेशी झुलस गए हैं। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ स्वाह हो चुका था। ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक 65 घरों में आग लग चुकी थी और सब जलकर खाक हो चुका था। खाना गांव में खाना बनाने के दरमियान गांव से आग लगी और देखते ही देखते पूरा गांव में लगभग 25 से 30 घर जल चुका। कोई भी घर बाकी अपने घर से कोई सामान नहीं निकाल पाया, बिल्कुल सड़क पर आ गया। 12:30 बजे लगभग लगा 20-25 घर जल गया जी। उसके बाद आग लगा बिजली से, हम लोग रहने के कोई रास्ता ही नहीं है, रोड पर है भी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।